नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल मेरठ चौक पर एक भयानक हादसा हुआ जिसके अंदर दो युवक, आपको बता देना कहीं एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। आप देख सकते हैं ये वो बाइक है, स्प्लेंडर बाइक है जिस पर दो युवक सवार थे। हालांकि उरलाना कला गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, उनकी बाइक के साथ ही एक बैग था जिसके अंदर कुछ शादी के कार्ड थे। ऐसा कहा जा रहा है कि वो शादी के कार्ड बांटने के लिए ही करनाल आए थे और आप ही उनका सामान देख सकते हैं। परिवार तक जानकारी पहुंचनी बहुत जरूरी है। आप हालत देख सकते हैं, दोनों ही जो युवक इस पर बताए जा रहे हैं उनके टांगों के ऊपर से जो है ट्रक निकल जाता है। आप देख सकते हैं क्या कुछ हालत जो है बाइक की है, परना है, हेलमेट है। हालांकि जो सामने आ रहा है, जो मौके पर मौजूद लोगों का भी कहना है कि जो दोनों युवक हैं वो रेड लाइट क्रॉस कर रहे थे, ऐसा कारण जो है सामने आ रहा है क्योंकि जो ट्रक चालक है और ट्रक को दोनों को कस्टडी में जरूर लिया गया। हालांकि ट्रक चालक का भी जो बयान सामने आ रहे हैं वो यही है कि दोनों ही युवक अचानक से सामने आ गए, कोई जानकारी नहीं कैसे आए। ये कहा जा रहा है कि जैसे ही ग्रीन लाइट हुई और ट्रक ने चलना शुरू किया तो दूसरी तरफ से सेक्टर 4-5 की तरफ से जो है ये बाइक आती है और अचानक से हादसे का शिकार हो जाती है। ऐसे में बड़ा हादसा है, शादी के कार्ड जो है युवकों के पास से बैग में मिले हैं। जो डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची थी और ये देखिए चाबी के ऊपर भी एक कीरिंग लगा हुआ है ईस्टमैन का, हो सकता है कि वहां पर ये काम करते हो या किसी भी तरीके से परिवार तक आपको जानकारी पहुंचानी है। एक बार हालत आप देखिए, सीट की देखिए, मैं पहले आपको नंबर दिखा दूं। आप देखिए बाइक का नंबर है HR06AT1423। जो बताया जा रहा है कि पानीपत नंबर ये बाइक है, हो सकता है कि पानीपत से भी जो है इन युवकों का लिंक हो, जानते हो, वहां के रहने वाले हो, लेकिन जो कार्ड है उस पर किसी तरीके से जो जानकारी है वो उरलाना कला की सामने आई है। ऐसे में आप पूरी बाइक जो है वो देख सकते हैं एक बड़े हादसे का शिकार हुई है, सिर्फ और सिर्फ जो है ट्रैफिक नियमों की पालना ना करने की वजह से। तो फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर जो है आईओ मौजूद है जगदेव जी, उनसे पूरी जानकारी ले लेंगे क्या कुछ हालात उन दोनों जो है युवकों के। हालांकि काफी ज्यादा गंभीर चोट है सर, क्या कुछ हालात थे, क्या कुछ? मैम करीब एक घंटे पहले सूचना मिली थी कि मेरठ रोड पे जो चौक है ग्रीन मेल्ट वाला, उस पर एक्सीडेंट हो गया। जो सूचना पाके हम तुरंत मौके पर पहुंच गए थे तो हमारी ERV भी ऑन द स्पॉट पहले ही पहुंच गई थी। तो मौके से घायल का मोटरसाइकिल और एक्सीडेंट करने वाला का ट्रक दोनों काबू करके उनको ले आए हैं और जैसी शिकायत मिलेगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और घायलों के बारे में पता चला है कि वो गाँव उरलाना के रहने वाले हैं जिनको सरकारी हॉस्पिटल भेज दिया गया। किसी तरीके से शादी का कार्ड वगैरह, ये अभी कंफर्म नहीं है, स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा वो क्या काम आए थे क्या नहीं। इनके पास से कोई बैग मिला था बताया जा रहा, हमारे पास कोई ऐसा बैग नहीं, यदि होगा तो उनके साथ ही हॉस्पिटल भेज दिया। ट्रक चालक वगैरह, ट्रक और मोटरसाइकिल दोनों का कब्जा में। तो गलती सर पता चली, कारण क्या? गलती तो तफ्तीश के दौरान, देखो वहाँ CCTV कैमरे लगे हुए हैं, दौरान तफ्तीश उसके CCTV कैमरे खंगाले जाएंगे, जिसकी भी गलती होगी उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चोटें वगैरह बताओ क्या आई है? चोटें वैसे टांग पे चोट बताई जा रही है, इस पे मोटरसाइकिल पे दो बताए जा रहे हैं, वे दो थे लेकिन फिलहाल ठीक है, लेकिन टांगों पर चोट है। बाकी जैसे भी इन्फॉर्मेशन किसी हॉस्पिटल से आएगी तो हम उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी। तो बिल्कुल सेक्टर 6 चौकी से जगदी, ऐसे में एक बड़ा हादसा है। तो आप लोगों से अपील रहेगी कि हमेशा कभी भी जो है आप बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक नियमों की पालना करें, रेड लाइट होने पर रुके और अपनी तरफ से जब ग्रीन लाइट होती है तभी चले, क्योंकि जब कोई बड़ा वाहन अचानक से अगर सामने जो है आ जाएगा तो ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। और बाइक का रुकना या फिर किसी बड़े वाहन का अचानक ब्रेक लगाने के कारण भी हादसे होते हैं, कई गाड़ियां टकरा जाती है। आप इस बाइक की हालत देख सकते हैं, इन दो युवकों के ऊपर से ट्रक निकल जाता है क्योंकि ट्रक चालक भी बता रहा है कि पता नहीं चला अचानक से बाइक आगे आ गई, उनकी तरफ से ग्रीन लाइट थी, ट्रक ने चलना शुरू किया और अचानक से रेड लाइट को जम करती हुई ये बाइक आती है और हादसे का शिकार हो जाती है, बुरी तरीके से टक्कर हुई। ये जूतियां हैं, आप देखिए चमड़े की ये जूतियां जो है वो नजर आ रही है, अक्सर गाँव में जो पाई जाती है उस तरीके की ये जूतियां हैं। और परिवार तक जानकारी पहुंचाने में मदद करे, एक परना है सफेद रंग का और ये हेलमेट है, ये बाइक है, HR06 नंबर है, स्प्लेंडर बाइक है, सिल्वर कलर की ये बाइक है। ऐसे में आपको पहले मैं ट्रक भी दिखाऊंगी जिस ट्रक के साथ ये हादसा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जो है रेड लाइट क्रॉस करते हुए ये हादसा हुआ, ये भयानक हादसा हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा हालत बताई जा रही है कि दोनों युवकों के पैरों के ऊपर से ट्रक निकल जाता है और शायद
जो है गनीमत है कि उनकी जान बच गई, क्योंकि बहुत भयंकर हादसा था। ये पूरा का पूरा जो बाइक है आप देखिए घिसट चुकी है, जो सीटें हैं वो तक फट चुकी है। ऐसे में एक बार आपको ट्रक दिखाती हूँ, ये वो ट्रक है जिसके साथ ये हादसा होता है, UP70ET5792। जानकारी है करनाल से ही नगला चौक की तरफ जो है ये ट्रक जा रहा था। आप देखिए ट्रक है और रोजाना ऐसे हादसे सामने आते हैं, लेकिन गलती और लापरवाही सबसे बड़ा कारण जो है हादसों का बनती है, जिसके अंदर लोग अपनी जाने भी गंवा रहे हैं। अब एक परिवार के बच्चे हैं दो जो करनाल अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, हालांकि परिवार अभी पहुंचा है नहीं, लेकिन परिवार तक जानकारी जरूर पहुंचाने में मदद कीजिए। ये वो ट्रक है, हालांकि ट्रक चालक और तमाम जो मौके पर लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जो बाइक चालक है उन्होंने रेड लाइट क्रॉस की और ये हादसा हो गया। आप देखिए एक बार फिर से आपको पीछे की तरफ से भी दिखा दे, ट्रक यूपी नंबर है UP70ET5792। ऐसे में अपील यही रहेगी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से आपको दिखा रहे हैं और तुरंत मौके पर करनाल के मेरठ चौक पर डायल 112 की टीम पहुंचती है। सेक्टर 6 जो नजदीकी चौकी है वहां से आईओ पहुंचते हैं और एक बड़ा हादसा जरूर हुआ, लेकिन पुलिस जैसे पहुंची है तुरंत अस्पताल जो है उन लोगों को भिजवाया गया जिसे शायद उनकी जान बची है, क्योंकि पैर लगभग जो बताए जा रहे हैं वो खत्म हो चुके हैं। एक युवक की दोनों टांगे बताई जा रही है और एक की एक टांग बताई जा रही है। हालांकि हो सकता है कि वो ठीक हो और ऊपर से चोटें लगी, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी आ जाती है जब कोई हादसे का शिकार हो जाता है। उस घर में अगर वो कार लेकर निकले थे तो हो सकता है कि खुशियों का माहौल हो, शादी होनी हो, वो मातम में ना बदले, ऐसी अपील आप लोगों से इसीलिए करते हैं ताकि आप लोग सावधानी से गाड़ी चलाए। तो यह हादसा करनाल के मेरठ रोड पर हुआ। मैं आरती राणा से होगी अमन गोवर के साथ करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।